खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सीमांचल समेत नेपाल की तराई इलाके में भारी बारिश के कारण सीमांचल के अधिकतर हिस्से की नदियों की जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-387 से सीधे नीचे गंभीरगढ़ पुल में। यहाँ पर मेची का जलस्तर में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। हालांकि आपको बताते चले कि जिले में लगातार दो दिनों से भारी बारिश के कारण मेची नदी, कनकई नदी, रतवा नदी, नौना नदी, इसके अलावा महानंदा नदी की जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इन सब से सटे जितने भी गांव बसे हुए हैं उन लोगों में अब दहशत का माहौल है कि उस के घर में बाढ़ का पानी या बरसात का पानी न प्रवेश कर जाए। आपको बताते चले कि इलाका चौतरफा नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ मेची है तो दूसरी तरफ मैगल है। ये इलाका हमेशा जो है बाढ़ की चपेट में रहता है। वैसे 2017 की बाढ़ में भी लोग काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी तादाद में लोगों की जो है जनजीवन प्रभावित हुई थी। हम जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों को क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा, 2017 की बाढ़ में आप लोग कैसे थे यहाँ पे? कैसे बहुत हम लोगों की स्थिति है। क्या कुछ हुआ था बताइए? पानी उनी घर में घुसा हुआ है। सब है। इस बार जो बरसात का ही पानी है और इससे जो है अभी जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है। क्या कुछ डर सता रहा है आप लोगों को? पानी उनी पूरा अभी सता रहा है, अभी बहुत दिक्कत आ रहा है हम लोग का। बस क्या कुछ डिमांड करते हैं बाढ़ से पहले, तैयारी की क्या मांग करते हैं बताइए? मांग क्या, हम लोग को पानी वो नहीं है, हम लोग खाने पीने बहुत दिक्कत है, ये सब है, क्या है, यही सब है। घर उड़ बाढ़ से टूटा वूटा टूट भंग गया है, बस यही सब है। बरसात से पानी भी बढ़ा हुआ है नदी का, आप तो दिख भी करते हैं। बात यह है कि मेची नदी का जलस्तर में दो दिनों से लगातार बढ़ोतरी का जो है सिलसिला जारी है। लोग यहां पर जो है मछली शिकार के लिए भी एक तरह का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं। यहां पे कुछ महिलाएं भी, इनसे बात करें। क्या नाम है चाची आपकी? जानकी देवी। अच्छा बताइए, कैसे रह रहे हैं यहां पे? क्या कुछ डर सता रहा है आप लोगों को? नदी का तो डर सता रहा ही है हम लोग को, और क्या करेंगे, उसी तरह डर से जी रहे हैं, डर डर करके। 17 का बाढ़ में कैसे थे आप लोग? उस टाइम हम लोग स्कूल में थे। अच्छा, यहाँ खूब घर द्वार में सब में पानी घुस गया था हम लोग, बहुत कठिन में थे हम लोग। तैयारी की क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे आप, सरकार जो जिसको जो देता है वही ना देगा, और किसी को देता है यहाँ जो पैसा वाला है उसको मिलता है, जो गरीब मर रहा है उसको कहाँ मिलता है, यहाँ तो ऐसा ही है। अच्छा, तो अभी आपका घर में पानी प्रवेश तो नहीं किया है? नहीं, बगल में है, गेट का बगल में। तो मेची नदी से सटे ये लोग हैं और इन लोगों को जो है 2017 जैसी बाढ़ का जो है ये लोग दंश झेल चुका है। उन सबको देखते हुए ये लोग को काफ़ी डर सता रहा है। हालांकि कुछ लोग पीछे हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सुभान। अच्छा सुभान जी, बताइए मछली तो शिकार कर रहे हैं, हो रहा है मछली उछली? हाँ हो रहा है। तो एक तरफ आपका जो है यहाँ पे पानी उनी बढ़ने के बाद मछली शिकार करने का मजा आ रहा है, दूसरी तरफ अगर पानी घर में प्रवेश कर जाए तो तब क्या स्थिति बन जाता है? तो सबको परेशानी है। 2017 का बाढ़ में कैसे झेले थे आप लोग, ये बताइए। हाँ मुश्किल तो था ही। इस इलाके में ये बताइए कि कितने गांव हैं इस मेची नदी से घिरा हुआ? बहुत गांव है। बहुत गांव बोले तो बताइए, गांव का नाम बताइए। हम लोग का तातपुआ हो गया, हम लोग का घर हो गया। आपका गांव का नाम क्या है? गोड़ी। अच्छा, उसके अलावा? उसके बाद तातपुआ हो गया, दुलाघाटी है, ये सब नदी का ऊपर में। अच्छा, करीब हजारों का आबादी प्रभावित है? ना, जब परेशानी होता तो मांग करता है नाव का। तो आप लोग एक बात बताइए कि मेची नदी के बगल में सटे हुए हैं आप लोग, तो कितना कुछ डर सता रहा है आप लोग? डर तो सता रहा है, घर में पानी ना घुसे, कुछ ना घुसे, परेशानी तो है सबको।